हेलो गाइस, तो ये स्टोरी है इस किटन की। और पहली बार मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इस स्टोरी को लेके आया हूँ। और इस किटन की ये बहुत ही सैड स्टोरी है इसके लिए। तो ये 3.22 सेकंड की वीडियो है, इसको मैंने कॉपी कर रखा है। एंड रियल वीडियो जो है वो मैंने लास्ट में रख रखी है। इसकी साउंड सुनना आप, बहुत ही दर्द भरी साउंड है। तो इससे पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, आप सुनिए। तो कुछ ऐसा हुआ कल मेरे साथ। शाम को ये मेरे को एक घर के अंदर मिला, तो मैंने इसको अपने घर पे लेके आया। और इसको सबसे पहले मैंने दूध पिलाया, फिर ये थोड़ी देर बाद सो गया। तो रात तक ये सोया रहा और थोड़ी देर ये मेरे साथ खेला। और मेरे को बहुत अच्छा लगा इससे मिलके, और मुझे वैसे भी इसको पेट बनाना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इसका मन नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा इसको छोड़ना चाहिए इसकी मम्मी के पास। तो ये बहुत ही नॉन स्टॉप बोलने लगा और नॉन स्टॉप कहीं पर भी दौड़ने लगा। ये मेरे रूम में था, रूम के चारों चक्कर लगा चुका था। तो ये बहुत ही सैड हो गया था और आखिर में फिर ये सो गया। रात को 10 बजे से लेके ये सुबह 4 बजे तक बोलता रहा और ये इधर उधर घूमता रहा। रात के 1:30 बजे मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको छोड़ के आना है। तो छोड़ूं कैसे इतनी रात को अकेला, वो भी बाहर ठंड थी और बाहर अदर कैट का भी डर रहता है। ये छोटा बच्चा है तो इसकी मम्मी मेरे को नहीं मिली थी। और आखिर में इसने पूरे रूम के सारे चक्कर लगा लिए, सब कुछ ट्राई कर लिया। ये बिल्कुल ही सैड हो गया था, इतनी ज़ोर से बोलने लग गया था कि आखिर में इसकी मम्मी ने इसको आवाज़ लगा ही दी और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ हुआ था इसके साथ। सो गाइस, अभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई अपने से दूर नहीं रह सकता। जैसे कि अगर मैं आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दूं, मेरे घर के पास आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दूं, मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करा दूं, लेकिन आपके मम्मी पापा घर वालों से ना मिलने दूं, तो आप कैसे तड़पोगे एक रूम के अंदर? एंड एक रूम के अंदर आप कितने चक्कर लगाओगे, क्या क्या कोशिश नहीं करोगे उनसे मिलने के लिए? तो इसी तरह इसने भी पूरे रूम के चक्कर लगाए और ऊपर नीचे ये बोलता रहा नॉन स्टॉप, और नॉन स्टॉप चलता रहा। तो सोच सकते हो आप, इनमें भी वो ही ममता होती है जो कि एक माँ में होती है अपने बेटे से मिलने के लिए। तो यार, मतलब हमें इनको ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। तो कभी भी आप पेट लेके आओ तो छोटा बच्चा लेके आना, ना कि बड़ा। इस तरह से वो रोएगा और रूम के चक्कर लगाएगा। तो ये स्टोरी थी इस किटन की। आपको सुन के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और रियल वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाओ। ओके बाय। तो गाइस, अभी आपने देखा ये कितनी बार चिल्ला चुका है, और आगे भी देखना, आप काउंट करके देख सकते हो ये कितनी बार चिल्लाएगा। बेचारा बहुत ही मतलब कोशिश कर रहा है अपनी मम्मी से मिलने की। तो देख सकते हो आप कितना सैड है ये। एंड लास्ट में इसकी मम्मी इसको बुलाएगी, वो ज़रूर सुनना।
तो गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसका मन लग जाए, बट ऐसे कैसे हो सकता है। इसकी मम्मी के आगे तो मैं जीरो हूँ इसके लिए। तो गाइस अभी मैं इसको अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ दे दूँ ना तो भी ये तैयार नहीं होगा। सिर्फ इसको अभी अपनी मम्मी से मिलना है, ना कि कोई इसे चीज़ खानी है। इसका सिर्फ मेन मोटिव अपनी मम्मी से है। तो देख सकते हो यार, ये कुछ भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन ये अब मानने वाला नहीं है।